नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश सीखता है वर्ब टू बी। जी हाँ दोस्तों, वर्ब टू बी के ऊपर ये पूरे वीडियोस देखने वाले हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप आसानी से बोलना सीखना चाहते हैं या फिर लिखना, तो कैसे ये सीखा जा सकता है। बहुत डिफरेंट वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखते अच्छा लगता तो लाइक और शेयर कीजिए। आसानी से बोलना या लिखना हो तो बस मेरे साथ बने रहिए और सब कुछ सीखेंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब टू, अब ये वर्ब टू भी क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं पास्ट का वर्ब टू भी, ये भला क्या है, ये क्या होता है वर्ब टू भी, क्या होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते ना, लेकिन आप सेंटेंस देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगेंगे। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन देखना चाहते हो, नीचे इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च, गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या अब हो गई 1.4K। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध शुद्ध लिखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विद दीजिए स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिव सारी खरीदना है। तो चलिए देखिए, ये है दोस्तों एक चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू हम लोग बात करें कैसे किसी भी सेंटेंस को बोलना सीख सकते हैं या फिर लिखना सीख सकते हैं। दोस्तों ये एक सब्जेक्ट चार्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट चार्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट, समझिए क्या होता है सब्जेक्ट, क्या जो भी कोई व्यक्ति जो कुछ करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या हिंदी में से कर्ता कहते हैं। चाहे आप मैं नहाता हूँ, वह जाता है, राम नहाता, कुछ भी दुनिया बोलिए, बिना सब्जेक्ट के नहीं होगा। भले छिपा रहे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो बोलना ही बोलना है। अब वो दो तरह के होंगे, एक सिंगुलर नंबर यानी एक वचन वाले, दूसरा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन वाले। जैसे आय, आय का क्या होगा, मैं होगा। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो प्रोनाउन वाले, अब दूसरे नाउन वाले। तो ये नाउन वाला यहाँ देखिए रमेश और मिसेस ने, बाकी सारे के सारे जो है प्रोनाउन के जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इधर क्या, इधर दोनों से प्रोनाउन के सब्जेक्ट है। तो इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसी पे सारे कुछ सेट आपको मिलने वाले हैं, और इसको याद रखना चाहिए, तभी आप हमारे वीडियोज में बहुत ही इन्जॉय करेंगे और सीखेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, दोनों मैंने लिया है वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत ही नहीं होने वाली। वर्ब टू बी क्या है, तो अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा हूँ, है ना, इंग्लिश में एम, और ये पास्ट का वॉज। तो एम का ही पास्ट होता है वॉज, और इसका हिंदी में हूँ है, तो जाहिर सी बात है पास्ट में जो है था ही होगा, उसके इज। ये है दोस्तों वर्ब टू बी, इसका भी पास्ट हो जाएगा था, आर, आर का मतलब होता है, और इसका पास्ट हो जाएगा थे। तो ये देखिए वर्ब टू बी का एक हिस्सा है। एम आर इज आप तो जानते ही है ना, एम आर इज कहाँ लगता है। दूसरा देखिए, अब दो है दूसरे तरह का, इसमें एम टू लगा कर, ठीक है, एम टू, जिसे इसका मतलब होता है बाला है, ठीक है, एम बाला है, या बाला हूँ कहिए, बाला हूँ। बाला हूँ के मतलब मैं खाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं नहाने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ, ऐसे ही तो लोग बोलते हैं ना। या वॉज टू मीन्स बाला था, है ना, वो जाने वाला था, वो खाने वाला था, वो नहाने वाला था, वो रोने वाला था, ऐसे ही बोला जाता है ना। नेक्स्ट देखिए इज टू, यहाँ बाला है, और इसी का पास्ट हो जाता है वॉज टू यानी बाला था। यानी इधर प्रेजेंट है तो इधर पास्ट है, तो वर्ब टू भी है, तो वर्ब टू बी का ही जो है ये सब एग्जाम्पल्स है। आर टू, वर्ब का क्या मतलब होता है, क्रिया, क्रिया क्या कहते हैं, क्रिया दो तरह के होते हैं, एक तो आप जानते हैं, एक तो एक्जुलरी, दूसरा प्रिंसिपल। तो यहाँ एक्जुलरी, ठीक है जी हाँ, तो एक्जुलरी, तो एक्जुलरी जो है ये क्रिया वर्ब्स है, ठीक है, एक्जुलरी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब की बात नहीं। प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं जी, गो है ना, गो होता है, कम होता है, ये सब जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब में गिने जाते हैं। तो यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, एक्जुलरी वर्ब की बात हो रही है। और आर टू है, बाला, बाला हैं, बाले हैं, और वेयर टू मीन्स वाले थे। अब देखिए हैज़ का भी तो चक्कर होता है ना, इसका मतलब के पास है, किसी के अधिकार में कुछ है, तो हैज़ का यूज़ होता है, और उसी का पास्ट होता है हैड। हैज़ का पास्ट होता है हैड, इसका मतलब रखता था, को था थे थी वगैरह यूज था, मतलब आप समझ सकते हैं कि पास्ट का कितना, हैड का कितना यूज़ होता है। और इसके बाद देखिए हैव है, हैव मीन्स के पास है, हैड रखते थे, यानी कि ये प्रेजेंट में ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, ये आर प्लूरल नंबर होता है ना, आर प्लूरल नंबर होता है, हैव प्लूरल नंबर होता है, हैज़ वगैरह बाकी सब सिंगुलर। इधर भी वैसे ही है, वॉज जो है ये प्रेजेंट में, मतलब कि सिंगुलर नंबर में, देखिए वेयर या वेयर टू है या हैड, ये जो है प्लूरल, प्लूरल में यूज होते हैं, बाकी सब सिंगुलर में। नेक्स्ट देखिए हैज़ टू,
अब जब एम टू इज टू आर टू आया एम एम इज आर के बाद, तो हैज हैव के बाद तो हैज टू और हैव टू तो आना ही है ना। इसका मतलब ना है किस सेंटेंस के अंत में, किसी वाक्य के अंत में ना है। जैसे मुझे खाना है ना, या इस तरह से तो ना है, नी है, पड़ता है या पड़ती है, पड़ता है, पड़ती है, खाना पड़ता है, खाना पड़ती है, तो हैज टू लगाएंगे। और इसके पास्ट हैड टू होता है ना था, ना था है ना, नी थी। सब सेंटेंस में देखेंगे कैसे कैसे लोग बोलते हैं। तो ये अब देखिए हैव टू हो गया, ने है, नी है, ये हैज टू जो हो गया सिंगुलर, जबकि हैव टू हो गया प्लूरल। पढ़ते हैं, पढ़ती है, हैड टू का होता ने थे, नी थे, पढ़े थे या पढ़ते थे। तो प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, ये समझ चुके हैं। अब चलिए अब देखिए प्रेजेंट का, देख पहले प्रेजेंट पे चलेंगे वर्ब टू बी पे। तो पहला है सो आई एम, मैं हूँ। अब सेंटेंस बनाइए आई एम अ बॉय। तो दोस्तों एम टू, ठीक है, एम टू मीन्स मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक वकील हूँ, मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं एक कह सकते हैं मैं एक जैसी बात है राजनेता हूँ, है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको बोलिए। हर एक सेंटेंस के ऊपर जो है कम से कम दस दस बार बोले, ठीक है, दस बार। आप इसमें यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने अनुसार जो भी जोड़े, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ पुलिस मैन, आई एम अ बॉय, आई एम, मतलब जो भी कुछ बोल लीजिए। तो बोलना तो सीखेंगे, उसी के साथ दोस्तों नॉट भी लगाना है, क्योंकि नॉट के साथ बनाना है, जैसे कि आई एम नॉट अ पुलिस मैन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, है ना। मैं एक पुलिस नहीं हूँ, मैं ठीक है, मैं एक राजनेता नहीं हूँ। उसके बाद देखिए इसी का ये हो गया प्रेजेंट में, ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव स्वीकार वाला। ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये हो गया एन आई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो एम आई, क्या मैं हूँ? एम आई अ पुलिस, है ना, क्या मैं एक पुलिस हूँ? एम आई नॉट अ पुलिस, क्या मैं एक पुलिस नहीं हूँ? सेंटेंस तो बना लेंगे आप तरह तरह के, तो आप लिख कर बोल कर आप प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, तो प्रैक्टिस, अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, आई एम अ बॉय, आई एम ए नॉट अ बॉय, एम आई बॉय, एम आई नॉट अ बॉय, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम अ बॉय, है ना, आई एम ए नॉट अ गर्ल, एम आई अ गर्ल, एम आई नॉट अ गर्ल, है ना। तो वाक्य बन सकते हैं, आई एम अ, चलिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नॉट अ इंजीनियर, एम आई अ, मतलब एम आई अ पॉलिटिशियन, एम आई नॉट अ पॉलिटिशियन। हिंदी भी समझना है तो ऐसे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक, क्या मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मतलब राजनीतिज्ञ हूँ, क्या मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। अब इसी का देखिए दोस्तों वर्ड टू वी में डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे भी फोकस करना होगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हम लोग बात करते हैं ना, तो कई रूप में क्वेश्चंस फॉर्म में अब हम लोग बात करते हैं। जब भी किसी से बात है तो ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई बताइए कहाँ है, कैसे है, क्यों हुआ, कब हुआ, है ना, किसके लिए हुआ, किसके, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज़ करते हैं। जैसे कि हिंदी में तो वॉट है, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में वॉट हो जाता है, आठ होता है ना, वाई है, फिर देखिए वेयर हो जाता है, उसके बाद वेन हो जाएगा, वेन के बाद हाउ कर लेते हैं, हाउ मीन्स कैसे होता है, फिर देखिए हु हो जाएगा, फिर विच हो जाएगा, ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक और है वेन हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, और एक और है, और एक दोस्तों हुज, ठीक है, हुज मीन्स होता है किसका। तो आप लिख लीजिए और कि क्या क्या होता है, जैसे कि व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेन मीन्स होता है कब, हाउ मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स कौन, और अफर्मेटिव सेंस में तो जो होता है, और क्वेश्चन फॉर्म में कौन होता है, विच मीन्स भी होता है कौन, अफर्मेटिव में जो होता है। ये सब सिंगुलर प्लूरल में एकदम सेम टू सेम आते हैं, अर्थ बदलते जाते हैं। और हुज मीन्स होता है किसका, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्या है, है ना, इसमें क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने यह काम क्यों किया, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तुम कब खेले थे, तुम कब खाए थे, इतना तुम कैसे कर सकते हो,
कौन हो तुम, है ना, कौन हो तुम, किसका है ये, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं उसी का जवाब होता है। तो इसी के फॉर्म जो ये जो हमारे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको करने आ जाता है तो एक तो बोलने में तो आप समझिए कि एकदम फ्लुएंट, जी हाँ सो एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे। हाँ अब लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, अब इसके बाद डॉट 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 लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन में लगा लिया, क्वेश्चन में लास्ट दे दी, मैं क्या हूँ, मैं व्हाट एम आई, व्हाट एम आई अ डॉक्टर, अभी तो एम वाला चल रहा है। आप तरह तरह के जो है, जैसा कि मैंने सब्जेक्ट चार्ट में बताया था ना कि सब्जेक्ट चार्ट याद कर लीजिए, उसी के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट चलने वाला है। व्हाट एम आई, मैं क्या नहीं हूँ, व्हाई एम आई, व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, व्हाई एम आई लाइक लाइक, है ना, लाइक दिस लाइक दैट, आप कुछ भी बोल लीजिए, व्हाई एम आई, मैं क्यों, व्हाई एम आई सैड, मैं उदास क्यों, व्हाई एम आई सैड, है ना, व्हाई एम आई नॉट अ सैड, आप कह सकते हैं व्हाई एम आई नॉट अ सैड, है ना, तो मैं उदास क्यों नहीं हूँ, ऐसा तो कोई बोलता नहीं, लेकिन जैसी बात है, मैं भूखा क्यों नहीं हूँ, कुछ तो सेंटेंस जो आपको लगता है कि भाई बोलना चाहिए तो वैसे ही बोलना है, वो अलग अलग सेंटेंस में। हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई, हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ, लोग बोलेंगे ना आप बहुत बदमाश हो, हाउ एम आई नॉट, मैं कैसा नहीं हूँ, मैं कैसे नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसे कैसा नहीं हूँ, तो मैं कैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग ऐसे ही बोलते। तो ये है सो वर्ब टू बी। अब यहाँ देखिए, आपने देखा एक सब्जेक्ट था आई, ठीक है, एक सब्जेक्ट आई था जो कि सिंगुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है। इसी के साथ मैंने डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के सारे फॉर्म को जोड़ दिया, जो कि आठ मतलब मेन मेन जो है, बाकी आप आगे देखेंगे, और ये बाकी जो बचते हैं वो जो यहाँ से जो शेष बच रहे हैं उससे आप बना लीजिए। पहले हिंदी के सेंटेंस वाक्य को सोच लीजिए और उसके बाद अंग्रेजी बना लीजिए, लिखिए और लिख कर बोलिए। जी हाँ दोस्तों, 10 बार तो बोल लीजिए कम से कम, आपको बोलने आ जाएगा 100%। उसके बाद देखिए वी, हमने वी सब्जेक्ट क्या है, दूसरा इसका आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल होता है तो वी, और वी का ही वी है, और ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी आता है, वी आर अ पुलिस, वी आर अ जेंटलमैन, हम लोग, है ना, हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग पुलिस है, हम लोग भद्र पुरुष है, वी आर नॉट अ पुलिस मैन, हम लोग पुलिस नहीं है, हम लोग भी तो बोलते हैं ना, या बोलते हैं आर बी अ पुलिस, क्या हम लोग पुलिस हैं, नहीं भाई, आर बी नॉट अ पुलिस, है ना, आर बी नॉट अ पुलिस। तो एक तरह से दोस्तों ये अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव, एन से नेगेटिव, नेगेटिव एन से, और आई से इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और एन आई से हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि नकारात्मक भी या प्रश्नवाचक भी, ये एक सेंटेंस का फॉर्मेट होते हैं। अब इसी पे जो है दोस्तों लगाएंगे हम लोग व्हाट आर वी क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके हैं, व्हाट आर वी, हम लोग क्या है, हम लोग कुछ नहीं, वी आर व्हाट, व्हाट आर वी, है ना, हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हैं आपके नज़र में हम लोग क्या है, ऐसे ही तो कहते हैं ना, व्हाट आर वी नॉट, हम लोग क्या नहीं, हम लोग क्या, यहाँ लिख देंगे नहीं है, हम लोग क्या नहीं है, हम लोग सब कुछ है आपके लिए, है ना, व्हाट आर वी, व्हाई आर वी, हम लोग क्यों हैं, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, है ना, ऐसे कहते हैं व्हाई आर वी स्टैंडिंग, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, ऐसे तो बोलते हैं। नेक्स्ट है तो व्हाई आर वी नॉट, हम लोग क्यों नहीं हैं, या हाउ आर वी, हाउ आर वी, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग अच्छे हैं, है ना, हम लोग हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, हाउ आर वी नॉट और समथिंग लाइक डैट, आप कुछ भी सेंटेंसेज यहाँ पर लगा लीजिए, बहुत छोटे वर्ड्स, हम लोग कैसे नहीं हैं, हम लोग कैसे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर नंबर का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये पहला है, इसी पे चलेंगे, ठीक है, इसी पे चलेंगे, इसी को पकड़ के, जैसे ही को, ही इज अ पुलिस, ही इज अ जेंटल, ही इज अ बॉय, ही इज अ कॉप, ही इज अ लॉयर, ही इज अ जस्ट जज, इज अ नॉट, सेम टू सेम वैसे बोलना है, वह है, वह नहीं है, बाकी सेंटेंस बन जाएंगे, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इज ही अ पुलिस, इज ही अ जज, क्या वह है, नहीं,
इज ही नॉट, क्या हुआ नहीं है, क्या हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज ही, वॉट इज ही वह क्या है, वह क्या है। वॉट इज ही नॉट, वह क्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वाई इज ही वह क्यों है, वाई इज ही है ना, वाई इज ही वह क्यों है। आगे का सेंटेंस तो आप बना सकते हैं ना, इसमें बस छोटा सा है जो ऑब्जेक्ट जोड़ देना है और थोड़ा सा। वाई इज ही नॉट, वह क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं है, वह क्यों नहीं है। उसके बाद हाउ इज ही, हाउ इज ही वह कैसा है, वह कैसे है, वह कैसा है, वह अच्छा है, इज अ गुड। हाउ इज अ नॉट, वह कैसा नहीं है, वह कैसे नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है यू, यानी कि तुम। यू जो होता है थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर दोनों होता है। हाँ थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन ना, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तो यू यहाँ पर ले लिया मैंने। तो यू तुम हो और आप हो, ये तो सिंगुलर नंबर का ही है, तुम हो आप हो। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, आप नहीं हो। यू आर, यू आर यू क्रेजी बोलते हैं ना, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, क्या आप पागल हो। आर यू मैड, ऐसे ऐसे सेंटेंस। आर यू नॉट मैड, आर यू क्रेजी, आर यू नॉट अ क्रेजी। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटोगेटिव, नेगेटिव इंटोगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद देखिए, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू तुम क्या हो। आई एम अ डॉक्टर। व्हाट आर यू नॉट, तुम क्या नहीं हो। आई एम नथिंग, मतलब कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चंस करने आएंगे तभी तो जवाब देंगे, इसी से आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप जो है वो तो बोलेंगे। व्हाई आर यू, तुम आप क्यों हो, व्हाई आर यू है ना। व्हाई आर यू नॉट, तुम क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो बोलते हैं ना आई एम फाइन, ऐसे तो बोलते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू नॉट, तुम कैसे नहीं हो, तुम कैसे हो या कैसे नहीं हो, आप कैसे नहीं हो। तो दोस्तों ये है। नेक्स्ट देखिए, दे आर, अब देखिए दे आर ये क्या है, थर्ड पर्सन के ही पार्ट में जा रहा है, प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन, और यह पीएल नंबर, ठीक है। पीएल नंबर का मतलब होता है प्लूरल नंबर का, जैसे वे लोग से रिलेटेड सेंटेंस बोलते हैं, वे लोग है, वे लोग वहाँ है, वे लोग पुलिस है, वे लोग सिपाही है, वे लोग भीड़, वे लोग भीड़ है, बहुत सारी बात बोलते हैं। तो बोलिए, तो लिखिए ऐसे, दे आर पब्लिक, दे आर हमारे लिखते हैं पब्लिक, वे लोग जानता है, दे आर पब्लिक, दे आर पुलिसमैन, दे आर डॉक्टर, दे आर नर्सेज, दे आर वॉलेंटियर, ऐसे तो बोलते हैं वे लोग। तो इसी को बोल सकते हैं नेगेटिव बना के, दे आर नॉट, वे लोग नहीं है, वे लोग जनता नहीं है। दे आर नॉट, आर दे, क्या वे, अब क्वेश्चन करना है, आर दे, मुझे मान लीजिए बहुत भीड़, सारे बहुत सारे भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे मुंडियाँ हैं, सर है, और मुझे पता नहीं है, तो वे लोग क्या पूछेंगे कि भाई क्या है, आर दे है ना, आर दे, आर दे को तो सिंपल में क्या वे लोग हैं, है ना, क्या वे लोग हैं पूछना है, बोले हाँ दे आर, वे लोग हैं, आर दे नॉट, क्या वे लोग नहीं हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। व्हाट आर दे बी, व्हाट आर दे बी, वे लोग क्या हैं, वे लोग क्या हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दे नॉट, व्हाट आर दे नॉट, वे लोग क्या नहीं हैं। नेक्स्ट है तो व्हाई आर दे, वे लोग क्यों हैं, व्हाई आर दे नॉट, वे लोग क्यों नहीं है। नेक्स्ट है तो हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं, हाउ आर दे नॉट, वे लोग कैसे नहीं हैं। दोस्तों ये था प्रेजेंट वर्ब टू बी का। अब जो बचता है इसके बाद वाला एम टू, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो समझना है। तो एम, अब आपने देखा वर्ब टू बी का, अब एम टू वाला जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ताकि फिर एम टू हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हैज़ है वाला हो जाएगा, तो हैज़ चलेगा, फिर हैज़ टू चलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और इतना करने के बाद अगर आप ये कर लेते हैं ना, ये कर लेते हो, तो इतना सेंटेंस में आपको पकड़ 100% बनने वाला है। तो लग जाइए और लिखिए और बोलिए, सोच सोच के बोलिए, बोलिए जी हाँ दोस्तों, बोलिए, एक बार लिख लीजिए, फिर बोलते रहिए, धीरे धीरे कर बोलिए और बोलते ही रहिए, 100% बोलने आपको आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे यहाँ पोर्टल का जिसका नाम ओमनी साइड है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक दिया दोस्तों, एक यहाँ और दूसरा लिंक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना,
धन्यवाद, थैंक्स का धन्यवाद दोस्तों।